हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बच्चों हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों अपना टाइप 3, जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर x माइनस 1 सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर एंड 3x प्लस 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड पार्ट 1 में द वैल्यू ऑफ x, पार्ट 2 में द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एंड पार्ट 3 में इट्स एरिया। राइट बच्चों, हम लोग के पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स के बारे में बच्चों यहां बताया हुआ है क्वेश्चन में। पहला साइड है x माइनस 1 सेंटीमीटर, दूसरा है 3x सेंटीमीटर और बच्चों तीसरा है 3x प्लस 1 सेंटीमीटर। राइट। सो बच्चों, पहले पार्ट में हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, दूसरे पार्ट में बच्चों लेंथ निकालना है साइड्स का, एंड तीसरे पार्ट में बच्चों इसका एरिया निकालना है। राइट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चों एक ट्राइंगल मान लेंगे ABC, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम लोग के पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, ये मान लेंगे। इसमें बच्चों राइट एंगल किस पे है, B पे। राइट एंगल बच्चों B पे है। सो अब इस बात को यहाँ पे लिख लो, लिखो लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। राइट बच्चों, लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों AC क्या हो जाएगा, हम लोग का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ लिखो इन विच AC इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, AC क्या है, हम लोग का हाइपोटेन्यूज है। एंड बच्चों AB और BC में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे AB को परपेंडिकुलर, AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस। ठीक है बच्चों, हम लोग AB को क्या मान लिए, परपेंडिकुलर, और BC को मान लिया बेस। नाउ यहाँ पे देखो बच्चों साइड्स का क्या दिया हुआ, हम लोग को साइड्स दिया हुआ x माइनस 1 सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर एंड 3x प्लस 1 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये सबसे बड़ा वाला है 3x प्लस 1। ठीक है, और हम लोग को पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, 90 के सामने वाला साइड जो होता है वो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है, और वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज ही राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा वाला साइड है, और यहाँ पे बच्चों 3x प्लस 1 सबसे बड़ा वाला है। सो यहाँ पे हम लोग AC को बोल देंगे क्या बच्चों, 3x प्लस 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, AC क्या बच्चों, हम लोग का हाइपोटेन्यूज है। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 सेंटीमीटर। अब जो रिमेनिंग टू साइड्स है बच्चों, ठीक है, उसमें से एक हम लोग असाइन कर देंगे परपेंडिकुलर को और एक दे देंगे बेस को। सो AB को बच्चों हम लोग बोलते हैं x माइनस 1 सेंटीमीटर एंड बच्चों BC बेस इज 3x सेंटीमीटर। राइट। नाउ अब देखो, पहले पार्ट में हम लोग को निकालना है बच्चों यहाँ पे वैल्यू किसका, x का। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। सो यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव बच्चों हाइपोटेन्यूज, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर होता है। राइट। तो बच्चों AB का वैल्यू हम लोग को पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB का वैल्यू हम लोग को पता है बच्चों, x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC हो जाएगा बच्चों 3x का स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9x स्क्वायर। राइट बच्चों, अब यहाँ से बच्चों 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, वो राइट साइड में पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस वन दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक साइड में रहेगा तो ऐड होगा, अपोजिट साइड में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम साइन वाला। सो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग के पास में, यहाँ बचेगा 6x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा बच्चों राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नाउ बच्चों इसको भी उधर लेकर चले जाओ 6x को राइट साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज बच्चों यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x का वैल्यू 0 आएगा,
ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, सो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू 8 आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास बच्चों जो बेस है, ठीक है, वो कितना है 3x है, अगर यहाँ जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बेस तो जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों, सो साइड जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड जीरो नहीं हो सकता है बच्चों, सो इसको क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हटा दो। अब x का वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चों, 8 ले लेंगे, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये हम लोग का एक्सेप्टेड वैल्यू है, सो बच्चों x इज इक्वल टू 8, ये हम लोग का हो गया पहला पार्ट का आंसर, ठीक है, पहले पार्ट का आंसर बच्चों x इज इक्वल टू 8। नाउ दूसरा पार्ट करते हैं, यहाँ क्या करना है हम लोग को, लेंथ निकालना है बच्चों साइड्स का, लेंथ निकालना है साइड्स का, सो यहाँ पे देखो ए सी कितना है बच्चों, ए सी है 3x+1, सो 3x+1 लिखो यहाँ पे, एंड 3 इंटू एक्स का वैल्यू 8 आया था प्लस 1, तो दिस इज 25 सेंटीमीटर। ना बच्चों देखो यहाँ पे बी सी कितना है बच्चों, 3x है बेस है, तो देखो बी सी इज इक्वल टू 3 इंटू x, सो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एंड ना बच्चों ए बी परपेंडिकुलर, x माइनस 1 ज़ूम किए थे हम लोग, ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, सो ए सी हाइपोटेन्यूज क्या मिला हम लोग को, 25 सेंटीमीटर बच्चों, बेस मिला 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, दो पार्ट कर लिए बच्चों हम लोग, यहाँ पे तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं, देखो एरिया निकालना है हम लोगों को, ठीक है, तीसरा पार्ट बच्चों एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बच्चों बेस कितना है, बेस हम लोग का देखो यहाँ पे बीसी है जो कि 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लो 24 एंड हाइट इज बच्चों 7, ए बी 7 सेंटीमीटर, सो यहाँ से हो जाएगा कट के 12, ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बच्चों, यहाँ यूनिट को प्रॉपरली यूज़ करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, राइट बच्चों, सो ये हम लोग का हो गया पार्ट 3। सो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स वैसे इजी होता है बच्चों, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, सो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड बाय 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग के पास में है, अब बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, वो एक साइड को 1 सेंटीमीटर से एक्सीड कर रहा है और दूसरे साइड को 18 सेंटीमीटर से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, सो देखो इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, सो बच्चों हम लोग के पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल बी पे है, राइट, अब बच्चों राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, सो ए सी हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं एक्स, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ कितना है बच्चों ए सी का 1 सेंटीमीटर है जो कि हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, राइट, नाउ अब इसी को बच्चों यहाँ पे लिख लो, लेट अस कंसीडर राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, राइट बच्चों राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ठीक है, इन विच एसी इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चों एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है जिसको हम लोग क्या माने हैं, जिसको हम लोग एक्स मान लिए हैं, सो राइट हियर 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, अब क्या बोल रहा है, जो हाइपोटेन्यूज है बच्चों वन साइड को 1 सेंटीमीटर से एक्सीड कर रहा है और दूसरे साइड को 18 सेंटीमीटर से एक्सीड कर रहा है, सो बच्चों अगर ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज है ऐसी, तो ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी और बी सी क्या होगा बच्चों, हम लोग का परपेंडिकुलर और बेस होगा, सो ए बी को बच्चों हम लोग यहाँ मान लेते हैं परपेंडिकुलर, सो ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बच्चों बी सी इज बेस, ठीक है, सो बच्चों ए बी जो हम लोग का परपेंडिकुलर है उसको मान लेते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज हम लोग का 1 सेंटीमीटर से एक्सीड कर रहा है, सो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, सो दिस इज x माइनस 1 सेंटीमीटर एंड बच्चों बेस बी सी इज इक्वल टू फिर x माइनस 18 हो जाएगा, ये दूसरा साइड है जिसको हाइपोटेन्यूज 18 सेंटीमीटर से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज x माइनस 18
सेंटीमीटर, राइट बच्चों? सो जो भी क्वेश्चन में दिया था हम लोग सब कुछ लिख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग को बच्चों निकालना है साइड्स, ठीक है, ट्रायंगल का ना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए बच्चों? तो देखो, एसी हम लोग को पता है, ए बी हम लोग को पता है, बी सी हम लोग को पता है, ठीक है। सो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना। तो लिखो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू हम लोग के पास में, सब्स्टिट्यूट करो इसमें। सो बच्चों एसी कितना है? एसी इज एक्स, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी, ए बी कितना है बच्चों? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी इज एक्स माइनस 18 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखो यहाँ बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 324 होता है, ठीक है। सो ये हमने लिख लिया बच्चों यहाँ पे ना। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, हाँ दिस इज इक्वल टू राइट। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो। सो हम लोग के पास बचेगा बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस 2x है, माइनस 36x है, सो दिस इज माइनस 38x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना होगा बच्चों? माइनस 38x, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 324, सो दिस इज प्लस 325 इज इक्वल टू 0 ना। ये बन गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, देखो कितना आएगा। कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बच्चों? 1 है, और कांस्टेंट टर्म 325, सो उन दोनों का मल्टीप्लाई करो 325, सो दिस इज 5 बच्चों, 5 से जाएगा, 5 6 से 30, 5 5 से 25, सो अगेन 5 एंड दिस इज 13, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 एंड 13 कितना हो जाएगा? 38 होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, दो फैक्टर हम लोग को मिल गया 25 एंड 13, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 13x प्लस 325 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन लो तो हो जाएगा x माइनस 25 माइनस 13 एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इतना हो गया ना। देखो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 13 एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू बच्चों 13 आएगा और x का वैल्यू 25, दो वैल्यू हम लोग को मिला x का यहाँ पे। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग लेंगे पहले x इज इक्वल टू 13, सो इफ x इज इक्वल टू 13 तो हम लोग का ए सी क्या होगा बच्चों? 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी इज इक्वल टू 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड बच्चों बी सी इज इक्वल टू 13 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ 5 सेंटीमीटर आ रहा है, माइनस 5 सेंटीमीटर आ रहा है बेसिक लेंथ, सो पॉसिबल नहीं है। तो इसको बच्चों हम लोग कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है ना। इफ x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर तो बच्चों ए सी क्या हो जाएगा? ए सी इज 25 सेंटीमीटर, ए बी इज 25 माइनस 1 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। सो बच्चों ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। ए सी कितना है बच्चों? 25, बी सी कितना है बच्चों हम लोगों का? 7, एंड ए बी आया हम लोग का 24 सेंटीमीटर। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, द लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग के पास में एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल रेक्टेंगल के शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है और लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से बच्चों 30 मीटर ज़्यादा है, तो साइड्स क्या होगा रेक्टेंगल का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग के पास में एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी क्या है? हम लोग के पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका ए सी क्या है बच्चों? ए सी एक डायगोनल है,
वन ऑफ इट्स डायगनल, ठीक है, एसी है। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगल एबीसीडी इन विच एसी इज वन ऑफ इट्स डायगनल, ठीक है बच्चों, वन ऑफ इट्स डायगनल। एंड लेट ए बी इज द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड बच्चों बी सी इज द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ए बी को हम लोग मान लिए बच्चों लॉन्गर साइड एंड बी सी को मान लिए हम लोग शॉर्टर साइड एंड बच्चों ए सी इज द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहा है बच्चों, अब ये बोल रहा है कि जो डायगनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है और जो लॉन्गर साइड है वो बच्चों शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे शॉर्टर साइड को x बोल देंगे, ठीक है। बी सी को क्या माना है बच्चों, हम लोग शॉर्टर साइड, इसको हम लोग x बोल दिए, ठीक है। सो बच्चों ए सी क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग का डायगनल है वो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है बच्चों, क्योंकि दिया हुआ है कि डायगनल हम लोग का शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, राइट। तो बच्चों ए सी इज एक्स प्लस 60 मीटर एंड बच्चों ए बी कितना हो जाएगा, फिर ए बी इज जो लॉन्गर साइड है हम लोग का वो हो जाएगा एक्स प्लस 30। ये भी दिया हुआ है हम लोग का जो लॉन्गर साइड है शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का लेंथ एक्स प्लस 30 मीटर, ठीक है। तो बच्चों जो भी दिया था क्वेश्चन में सब कुछ हम लोग यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, बस इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो बच्चों हम लोग को साइड्स पे मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे एबीसी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी क्या है बच्चों, एक राइट ट्रायंगल है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी विकेट क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 90 है बच्चों तो ये हाइपोटेन्यूज होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, हम लोग को पता है तो लिख लिया ऐसा, ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू तो हम लोग के पास है ही, तो बच्चों ए बी कितना है, ए बी इज एक्स प्लस 30 का स्क्वायर एंड बच्चों बी सी इज एक्स, तो एक्स का स्क्वायर एंड बच्चों ए सी दिस इज डायगनल इज एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, राइट बच्चों। सो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। सो यहाँ पे कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस बच्चों 3600 कितना आएगा, ठीक है। ब्रैकेट को हम लोग तोड़े बच्चों, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, सो यहाँ बच जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब जो बच्चों यहाँ बचा है उसको इधर लेके आओ, लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चों। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखो 60 है यहाँ माइनस 120 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 60x। अब बच्चों यहाँ पे माइनस 3600 है और यहाँ पे प्लस 900 है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 2700, बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हम लोग को 2700 मिलेगा, ठीक है बच्चों। सो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करके या सबट्रैक्ट करके क्या मिले हम लोग को 60 मिल जाए। तो क्या क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे एक तो 90 होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों 30 होगा, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे 2700 जाकर मल्टीप्लाई करके 90 इंटू 30 कितना होता है 2700 होता है, और दोनों को करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट तो 60 मिल जाएगा हम लोग को। सो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेंगे बच्चों, 60 वो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 30 इज
यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को माइनस 30 और यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों हम लोग को 90. सो दिस इज माइनस. ठीक है बच्चों, x का वैल्यू साइड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो दिस इज रिजेक्टेड. ठीक है बच्चों, एंड दिस इज एक्सेप्टेड. सो x का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 90 मिला. देयरफॉर बच्चों लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कौन सा है बच्चों हम लोग का ए बी है एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 30. सो एक्स कितना है हम लोग का 90 आया, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर. ठीक है बच्चों, तो लेंथ आ गया 120 मीटर. बी सी तो एक्स ही है बच्चों, तो ये हो जाएगा 90 मीटर. एंड बच्चों ए सी जो कि हम लोग का डायगनल है इज एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 160 प्लस 90 इज इक्वल टू 150 मीटर. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 150 मीटर, ये 90 मीटर और लेंथ हम लोग का आएगा 120 मीटर. ठीक है बच्चों, सो यही हम लोग का आंसर होगा. फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, तो साइड्स हम लोग निकाल लिए. चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. ना मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ रन्स राउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड. इफ द पाथ ऑक्युपाइज 208 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विथ ऑफ फुटपाथ. राइट बच्चों, सो क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि हम लोग के पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. ठीक है, देखो बच्चों, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया हुआ है और उसके अंदर एक यूनिफॉर्म विथ का क्या है, फुटपाथ बनाया हुआ है. ठीक है, सो बच्चों ये हम लोग का फुटपाथ है जिसका विथ क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब बराबर है. ठीक है, मतलब ये अगर बच्चों x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, यूनिफॉर्म विड्थ का है. ठीक है बच्चों, और लेंथ और ब्रेथ मतलब लेंथ और विड्थ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का बच्चों, ये है 32 मीटर लेंथ एंड 24 मीटर विड्थ. है ना बच्चों, और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर पाथ का एरिया, तो क्या मीटर स्क्वायर दिया ना, 208 मीटर स्क्वायर मतलब एरिया बोल रहा है बच्चों ये, तो जो पाथ का एरिया है वो कितना है बच्चों, 208 मीटर स्क्वायर है. तो हम लोग को ये विड्थ निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बच्चों कि लेट द विड्थ ऑफ फुटपाथ बी एक्स मीटर. ठीक है बच्चों, हम लोग क्या मान लिए इसको, एक्स मान लिए विड्थ को, जो हम लोग को निकालना है. राइट, नाउ बच्चों लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है फील्ड का 32 मीटर एंड 24 मीटर. ठीक है बच्चों, इसका एरिया हम लोग को पता है फुटपाथ का. ठीक है, तो अंदर वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है बच्चों, उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा वो लिख लो. ठीक है, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो 2x हो जाएगा बच्चों. तो इस पूरे में से जो 24 मीटर है, ठीक है, ये भी 24 होगा बच्चों, रेक्टेंगल है ना ये, तो ये 24, ये भी 24, ये भी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, सो देखो बच्चों, अंदर वाले रेक्टेंगल का विड्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 2x. बच्चों इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 2x. राइट बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे फील्ड का जो बच्चों विड्थ है वो कितना, 24 मीटर है. सो यहाँ पे बच्चों x और x, 2x हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो इसका हम लोग को विड्थ मिलेगा. और बच्चों इसका लेंथ कितना है, 32 मीटर है बच्चों, इसमें से x प्लस x, 2x माइनस करेंगे तो इसका लेंथ मिल जाएगा. अब बच्चों हम लोग को बाहर वाले रेक्टेंगल का भी डायमेंशन पता है, अंदर वाले का भी पता है, और बच्चों इस पाथ का एरिया भी यहाँ क्वेश्चन में दिया है 208 मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू. ठीक है बच्चों, अब जो इसका एरिया है वो क्या होगा बच्चों, बाहर वाले का एरिया, बाहर वाले फील्ड का एरिया माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया. ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, ये पाथ का एरिया मिलेगा जो कि दिया हुआ है. ठीक है, नाउ यहाँ पे लिख लो उसको. ठीक है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. नाउ दिस इज गिवन बच्चों 208. ठीक है, मीटर स्क्वायर. अब बच्चों जो फील्ड है हम लोग का उसका एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32 इंटू 24 मीटर स्क्वायर माइनस. ठीक है बच्चों, माइनस अंदर वाले का एरिया, मतलब 32 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x. राइट बच्चों, सो देखो यहाँ पर हो जाएगा 208
इज इक्वल टू 32 इंटू 24 माइनस, इसको सॉल्व करो, यहाँ हो जाएगा 32 इंटू 24 माइनस 64x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, राइट बच्चों, ये मिला हम लोगों को ना। यहाँ पे देखो 208 इज इक्वल टू 32 इंटू 24 माइनस 32 इंटू 24 प्लस 64x प्लस 48x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 32 इंटू 24 है, यहाँ भी बच्चों क्या है 32 इंटू 24 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, उसमें टाइम वेस्ट होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ 208 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 एंड प्लस 48 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 112, सो 112x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे कर दो 4x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 208 इज इक्वल टू जीरो। अब ये बच्चों बन गया हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लो, जितना छोटा हो सकता है बच्चों कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x स्क्वायर, 4 कॉमन नहीं, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बच्चों 28x प्लस 52 इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 52 इज इक्वल टू जीरो। ना बच्चों कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज 52, सो 52 हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 226, ठीक है। तो इसी से हो जाएगा बच्चों हम लोगों का, सो यहाँ पे कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 52 इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज x माइनस 26 माइनस 2 x माइनस 26 इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 26 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 26 इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 26 आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 26 आएगा। सो तो बच्चों ये वैल्यू जो है हम लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर बच्चों x इज इक्वल टू 2 एंड विड्थ, दैट इज विड्थ ऑफ द फुटपाथ इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है बच्चों, समझो। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे लेंगे 26 तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 2 इंटू 26, सो 32 माइनस 52, सो ये बच्चों हो जाएगा माइनस 20, जो कि पॉसिबल नहीं है, सो इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 ना मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर दिया हुआ 2 स्क्वायर्स हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड x माइनस 4 सेंटीमीटर, द सम ऑफ देयर एरिया इज 656 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक्सप्रेस दिस एज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इन x एंड सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ना बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 स्क्वायर है, उसमें से एक का साइड बच्चों x सेंटीमीटर है, दूसरे का साइड x माइनस 4 सेंटीमीटर है, दोनों के एरिया का सम, ठीक है बच्चों, दोनों के एरिया का सम कितना है 656 स्क्वायर सेंटीमीटर है, राइट। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो बच्चों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बच्चों यहाँ पे एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है, x में, और बच्चों फिर साइड निकालना है स्क्वायर का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिख लो, गिवन, गिवन क्या है बच्चों, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर x सेंटीमीटर एंड x माइनस 4 सेंटीमीटर, राइट बच्चों, ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को। नाउ बच्चों एरिया दिया हुआ 656 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड x सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उस स्क्वायर का एरिया जिसका साइड x सेंटीमीटर होगा वो क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर होगा। एंड बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड x माइनस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, दोनों स्क्वायर का एरिया हम लोग यहाँ पे लिख लिए, पहले का होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा का होगा एक्स माइनस फोर का स्क्वायर। अब दोनों का सम हम लोग को पता है 656 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो गिवन या फिर लिख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू 656। फिर बच्चों अब इसको सॉल्व करके, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करने का एक्स में, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, ठीक है, प्लस 16 इज इक्वल टू 656। सो यहाँ से मिल जाएगा बच्चों हम लोग को 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 656 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना बच्चों 640 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो 2 सब में है एग्जैक्टली, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 320 हो जाएगा हम लोगों का एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अभी क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो पहला पार्ट हो गया बच्चों हम लोग का, हम लोग यहाँ पे अपना एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्म कर लिए जो कि क्वाड्रेटिक है। अब इसको बच्चों सॉल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को साइड्स का भी पता चल जाएगा दोनों का, ठीक है। सो सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड 320 दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म। सो बच्चों क्या हो जाएगा 2 160 280 240 220 210 25, इतना आया। अब बच्चों 4 कैसे मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 2 10 2 20 20 एंड 16, राइट बच्चों। सो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 20 प्लस 16x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हो जाएगा x प्लस 16 इंटू x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आया x का वैल्यू माइनस 16 एंड बच्चों यहाँ से आया x का वैल्यू 20। सो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चों लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग इसको करेंगे रिजेक्ट, इसको करेंगे एक्सेप्ट। सो बच्चों पहले का, ठीक है, पहले वाले स्क्वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड सो ऑफ स्क्वायर्स आर 20 मीटर एंड बच्चों 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 मीटर। सो एक का आएगा 20 मीटर बच्चों, दूसरा का आएगा 16 मीटर, ठीक है बच्चों। दोनों का साइड हम लोग को निकालना था, हम लोग निकाल लिए। सो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग 5 क्वेश्चन किए, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, इतना सफिशियंट है। आप लोग रोज़ रोज इतना क्वेश्चन करो, ठीक है, बाकी का सब्जेक्ट पर भी ध्यान दो बच्चों, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, सब में आप लोग को अच्छा परफॉर्म करना है। सो बच्चों हम लोग मिलेंगे अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ में अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।